टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी के शांति नगर में ताजुशरिया चौक कादरी रोड पर सुबह 10 बजे के दरमियान पहाड़ी इलाके पर बनाए जा रहे एक मकान की दीवार दूसरे जगह पर गिर गई है, जहां 60 से 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला सो रही थी और बुजुर्ग महिला के ऊपर ये दीवार गिरने से गंभीर चोट आई है, जहां सरकारी अस्पताल स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भेजा गया है। ऐसे में जानकारी प्राप्त हुई है कि यह घर अवैध तरीके से बनाया जा रहा था और घर के ड्रेनेज लाइन का काम किया जा रहा था, जिसके कारण जमीन स्तर पर मिट्टी भारी संख्या में होने के कारण जमीन खिसक गई और नीचे घर पर जाकर गिरी है। घर में परिवार के सभी सदस्य थे, लेकिन बुजुर्ग महिला जो सो रही थी, जिसके कारण महिला ही जख्मी हुई है। मौके पर भिवंडी, निजामपुरा, शहर महानगर पालिका, आपातकालीन विभाग और प्रभाग समिति के एक सहायक आयुक्त की पूरी टीम पहुंचकर इस घर को तोड़ने में जुटी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि बुजुर्ग महिला का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। बहरहाल भिवंडी की तस्वीर है, जहां आज करीब 10 बजे के आसपास में एक मकान की दीवार गिरने की वजह से एक 60 से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला इसमें घायल हुई। ये डाल के उठाए है ना, तो इधर सेफ्टी हो गया। अगर यही सलैया डाल के अगर उधर भी अगर सेफ्टी कर देते उसके बाद अगर बनाते तो आगे वाले को नुकसान तो नहीं होता, मेरा कहना ये था। अभी वो गरीब का इतना कह रहे नुकसान हो गया, उसको बुड्ढी को चोट आ गई, अभी वो लोग कहाँ रहेंगे, किसके घर में रहेंगे, किधर जाएंगे बारिश पानी के टाइम। हमको मालूम 10 बजे मिली, हम 10:30 बजे तक इधर आए, तुरंत इधर हमारी प्रभाग समिति एक और दो की टीम, शहरी विकास की टीम आई, आपातकालीन की टीम तातली साहब की, और जगह पे आके जो आदमी जख्मी हुआ है उसको IGM में एडमिट किया है, उनका नाम हसीना है, 65 साल उम्र है और अभी आगे का काम हम लोग हमारी टीम कर रही है। क्या पेशेंट ज़्यादा गंभीर है? मीडियम है। क्या किस मतलब क्या लगता है आपको किस कारण यहाँ से गिरा होगा, क्योंकि देखा जाए तो इधर डोंगरी बाग है, इधर पहाड़ी इलाका है, वो मट्टी घिसने से यही काम है। और कोई जख्मी नहीं हुआ? नहीं हुआ है, बाकी का काम हम लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए पहाड़ी इलाका भी है और यहाँ पर लोग रहते भी हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके साल के साथ रहवासी इलाका है, तो ऐसे हो सकता है बारिश ज़्यादा गिर रही है, हवा छूट रही है, उसके हिसाब से हादसा हो गया है।